आत्मसमर्पित महादूत समरू वर्डे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. राजकीय कार्यक्रम मुख्य अतिथी हव मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा जय सेवा. मेरा नाम संदीप वड्डे, गांव कुतरी, तहसील एटापाली, जिला गढ़चिरौली. मेरा जन्म एक मारिया आदिवासी परिवार में हुआ है. मैं बचपन से नक्सल संगठन में संबंध में आया. नक्सल संगठन में के संपर्क में आकर उनकी झूठी बातों को भगवकर 2009 में कसनसूर दला में भर्ती हुआ. 2009 से 2019 तक मैं लगभग 10 साल नक्सल संगठन में काम किया. नक्सल संगठन में भर्ती होने के पहले जो नक्सल के बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन जैसा संगठन में काम करने लगे मुझे नक्सल संगठन की झूठी बातों का अनुभव आने लगा. नक्सल संगठन में भर्ती होने के लिए हमारे जैसे बोले बाले आदिवासी गरीब जनता को झूठी जानकारी देकर भगवा के भर्ती करवाते हैं, और हम संगठन के निचले स्तरों पर काम करवा कर पुलिस से लड़वाते हैं. मरने वाले भी सब हमारे जैसे सामान्य आदिवासी लोग होते हैं. संगठन सभी उच्च स्तर के कैडर हम पर राज करवा कर हमारा इस्तेमाल करते हैं. कैडर नक्सलों के बड़े कैडर के नक्सलों के बच्चे जो विदेशी में यानी बाहर बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे जैसे जो गरीब आदिवासी लोग रहते हैं उसके ऊपर न्याय अत्याचार जो करवा कर यहाँ पे नीचे स्तर पर जो काम करवाते हैं. यहाँ पे जो भी हमारे गढ़चिरौली जिले पे जो उच्च स्तर वाले यहाँ पे कोई हमारे आदिवासी कोई नेता नहीं, यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी जो आंध्र वाले रहते हैं. मैं ये सभी जानकारी मैं नक्सल संगठन के नक्सल संगठन में रहने के बाद मेरे को पूरा समझ में आ गया कि यहाँ पे जितना दिन हम रहेंगे तो ऊपर के जो कैडर होते हैं, ऊपर के जो नेता लोग रहते हैं, उसका शोषण जो बताते वो हम करना पड़ते हैं. इसलिए बाद में मैं एक निर्णय ले लिया कि यहाँ पे जितना दिन रहोगे तो यहाँ पे मरना और मारना हो ही रहेगा, ताकि खुद का फायदा ताकि घर का फायदा. तो मैं एक निर्णय लेके 2019 में गढ़चिरौली पुलिस की दल के सामने आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने के बाद जो यहाँ पे सुविधा सब हो गई, घरकुल मिला, जो जितना आर्थिक मदद था बेनिफिट वो भी मेरे को हासिल हो गया, और मैं सामान्य नागरिक की सबसे मैं यहाँ पे जी रहा हूँ. इसलिए मैं सब पुलिस अधिकारी और एवं हमारे पुलिस कर्मचारी को बहुत आभारी मानता हूँ. मैं दो बात बताकर मैं समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.